तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल गॉट टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरा काम सीखना आपका। सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं भाई। आज के टाइम में मैं जहां तक जानता हूं वो इंडिया की जनरेशन अगर मैं बात करूं तो लगभग 75% से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो यूज़र्स हैं जियो के। जी हाँ दोस्तों, जियो की सर्विस यूज़ करते हैं, फिर चाहे वो इंटरनेट कॉलिंग हो या फिर नेट की हो या फिर किसी भी तरह से हो भाई, मतलब जियो यूज़ करना है। और जियो आज के टाइम में हर इंसान के पास मिलेगी। अगर वो आइडिया एयरटेल के अलावा भी कोई यूज़र्स करते हैं अपने मतलब कोई और भी सिम यूज़ करते हैं तो आप उनके पास देख भी लेंगे तो एक जियो की सिम ज़रूर होगी। ऑब्वियसली यार मेरे पास भी है, मैं भी जियो यूज़ करता हूँ। लेकिन यहाँ पर जियो की जो नई अपडेट आप सुन रहे हो, जियो की जो न्यूज़ आप सुन रहे हो, जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि भाई 6 पैसे कटेंगे और आपको देने होंगे, किस तरह से वो कटेंगे और कैसे आपको वो देने होंगे, आज के टॉपिक में हम यही बात करने वाले दोस्तों। तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दो। और दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई यहाँ देखा जाए तो जियो जितने भी यूजर्स हैं आप सब लोगों को तो मैं ये बता दूँ कि क्या कटेगा और क्या मिलेगा, ये सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है। IUC जो है, IUC चार्ज कटेगा। अब IUC चार्ज क्या होता है वो आपको मैं बताता हूँ भाई। देखो IUC चार्ज में आपको अब जो है वो कुल मिला के एक 10 रुपये का रिचार्ज आपको अलग से करवाना होगा। जो रिचार्ज आप पहले करवाते थे वो तो रिचार्ज आपका रहेगा ही रहेगा, यानी कि अगर आप 399 का रिचार्ज कराते हैं, 149 का रिचार्ज कराते हैं या फिर इसके अलावा भी कोई और रिचार्ज कराते हैं तो वो रिचार्ज तो आपको करना ही है। लेकिन इसके अलावा आपको एक 10 रुपये का रिचार्ज कराना होगा जिसमें आपको IUC के थ्रू 124 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अब इसके अलावा अगर दूसरी बात करें तो हम यहाँ पे 20 रुपये का रिचार्ज में आपको 249 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। साथ ही साथ इसके अलावा भी अगर बढ़ेंगे हम तो 50 रुपये का जब आप IUC चार्ज करवाते हो, रिचार्ज करवाते हो 50 रुपये का, तो आपको 656 मिनट दिए जाएंगे। अब इसी के साथ थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाया जाए तो 100 रुपये के रिचार्ज पे आपको 1362 मिनट आपको मिलेंगे। यानी कि ये जो आपको पेमेंट देनी है 100 रुपये, 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक, ये आपको रिचार्ज के अलग देना है। जो आप 3 महीने का या फिर 1 महीने का रिचार्ज कराते हो, जैसे मान लो आप 399 का एक रिचार्ज कराते हो 3 महीने का, तो आप उसमें से 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये या 100 रुपये से ये ऐड एडिशनली करा सकते हो, जो आपको बेनिफिट आपको इसमें से मिल जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं यहां पर IUC में आपको डेटा कैसा मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ भाई डेटा की, तो IUC में जैसे कि आपने रिचार्ज करवाना है 10 रुपये का, अगर आप रिचार्ज कराते हैं तो आपको इसमें 1 GB डेटा भी मिल जाएगा। अगर उसी तरह से 20 रुपये का रिचार्ज कराते हैं तो आपको 2 GB डेटा मिल जाएगा। इसी तरह से 50 रुपये का रिचार्ज कराते हैं तो 5 GB डेटा मिल जाएगा। और अगर 100 रुपये का रिचार्ज कराते हैं तो आपको 10 GB डेटा मिल जाएगा। अब यहाँ पर सबसे अलग सिस्टम ये है कि IUC में आपको मिनट मिल रहे थे, ये चीज़ तो समझ में आ रही है, बट एक्चुअली यहाँ पर डेटा का क्या सिस्टम आया। तो डेटा का जो सिस्टम है, आपको अपना जो रिचार्ज है वो वैसे ही रखना है, यानी कि जैसे आप पहले रिचार्ज कराते थे ये तो वही रिचार्ज है, लेकिन उसके अंदर एडिशनली चार्ज हो चुका है। अब एडिशनली 10 रुपये से लेकर 100 रुपये तक का जो चार्ज है वो आपको इसमें पे करना होगा। इसके थ्रू आपकी जियो की सर्विसेज जो है वो पहले की तरह क्या क्या हैं, क्या क्या मिलने वाली हैं, वो अगर मैं आपको बता दूँ तो जियो में जैसा कि आप पहले जियो ट्यून यूज़ करते थे, आप वैसे भी आप जियो ट्यून यूज़ कर सकते हैं जिसका कोई पेमेंट या फिर कोई कुछ कट ऑफ नहीं करा जाएगा, ये पहले की तरह सर्विस है। दूसरी सर्विस जो पहले की तरह है वो सर्विस ये है कि आप इंटरनेट कॉलिंग हो रही है आपकी, व्हाट्सअप से हो रही है आपको, फेसबुक से कॉलिंग हो रही है या फिर इंस्टाग्राम से कॉलिंग हो रही है, आप वो कॉलिंग भी अपनी नॉर्मली कर सकते हैं जिसका आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। इवन जो पहले की तरह है वो थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि आप अगर यहाँ से किसी को मिस कॉल करते हैं और वो आपको बैक कॉल कर लेता है तो ऑलमोस्ट आपके वही पेमेंट रहेगी, यानी कि आपको यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं कटेगी। जियो से अगर आप कहीं कॉल करते हैं, जैसे मान लो अगर आप जियो के यूजर्स हो तो आप जियो से जियो पे कॉल करते हो किसी दूसरे जियो नंबर पर, तो आपका सेम वही प्रोसेस रहेगा, कोई पैसा नहीं कटेगा। बट अगर आप जैसे जियो से किसी वोडाफोन के यूजर्स को कॉल करोगे तो उस कॉल को उठने के बाद आपका 6 पैसे से आपको काउंटिंग शुरू हो जाएगी, 6 पैसा प्रति मिनट के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अगर आपने जियो से कॉल करी है वोडा को या फिर आइडिया को और अगर उसने नहीं उठाया या फिर उसने काट दिया तो आपका कोई पैसा नहीं कटने वाला। अगर आपने उसको उस बंदे ने कॉल काट के वहाँ से बैक कॉल कर लिया आपके नंबर पर तो अभी आपका कोई पैसा नहीं कटेगा। कटेगा तभी जब आप जियो से किसी अदर नंबर पे कॉल करोगे और वो कॉल उठा लेगा, रिसीव करेगा, तो अगर मिस कॉल जाती है तो कोई पैसा नहीं कटेगा, रिजेक्ट हो जाती है कोई पैसा नहीं कटेगा, वो काट देता है तो कोई पैसा नहीं कटेगा आपका। तो यहाँ पर जियो का कुछ यही चीज़ है, IUC के थ्रू ये काटा जाएगा, वो आपके कुछ मिनट्स दिए जाएंगे, कुछ डेटा भी है जो आपको एडिशनली बढ़ाया गया है। तो यहाँ तक
आई होप आप लोगों को समझ में आया हो कि जियो का अब तक की जो न्यूज आपको लोग सुनने को मिल रही है एक्चुअली क्या उसमें हो रहा है और क्या अच्छा है और क्या बुरा। भाई मतलब कुछ अजीब सा लग रहा है। आपको कैसा लगा जियो की ये न्यूज सुन के आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए बस इतने ही दोस्तों, बाय।